इस वीक मैं सीखने जा रहा हूँ हाउ टू रोल अ कॉइन अक्रॉस माई नकल्स। इस ट्रिक में हम एक कॉइन को अपने नकल्स के अराउंड रोल करते हैं अपनी इंडेक्स फिंगर से लेके पिंकी फिंगर तक। और भले ही ये ट्रिक स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा सिंपल लगे, जब मैंने पहली बार ट्राई किया तो मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। और मुझे जल्दी ही पता चल गया कि मुझे गूगल की हेल्प लेनी होगी। और गूगल पर हेल्प लेने के बाद मैंने इस स्किल को स्टेप बाय स्टेप सीखने का डिसाइड किया। पहले स्टेप में हमें अपने हैंड साइज के हिसाब से एक कॉइन चूज कर लेना होगा, जो ना ही काफी छोटा हो और ना ही बहुत बड़ा। एक 10 रुपीज का कॉइन अच्छी तरह से काम कर जाए। और मैंने गूगल पर एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि एक अमेरिकन हाफ डॉलर काफी लोगों के लिए कॉइन रोलिंग के लिए अच्छे से काम कर जाता है। तो मैंने एक सिमिलर कॉइन ट्राई किया। तो कॉइन को रोल करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी पाम के अंदर एक कॉइन रख लेना होगा और फिर बाद में उसे अपनी इंडेक्स फिंगर के नकल के ऊपर स्लाइड कर लेना, स्पेसिफिकली अपनी इंडेक्स फिंगर के प्रॉक्सिमल फैलिंग्स के ऊपर। और हमें अपनी सारी फिंगर्स को नीचे की तरफ कर्व्ड रखना है। दूसरे स्टेप में हमें अपनी मिडिल फिंगर को रेज कर इंडेक्स फिंगर से कॉइन को अपनी मिडिल फिंगर के ऊपर ट्रांसफर कर लेना। इस पॉइंट के बाद से हमें अपनी मिडिल फिंगर से अपनी रिंग फिंगर के ऊपर कॉइन को ट्रांसफर करना होगा। और इसे करने के लिए भी हमें पिछले स्टेप की तरह ही अपनी रिंग फिंगर को रेज कर मिडिल फिंगर से कॉइन को रिंग फिंगर के ऊपर ट्रांसफर कर लेना है। सो मैंने भी इसी की प्रैक्टिस की, बट नो मैटर मैंने कितना भी हार्ड ट्राई किया, मेरे हाथ से कॉइन बार बार फिसलता जा रहा था। मुझे खुद को नहीं पता मैं क्या करूँ, और मेरी हाथों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो और देखने में बहुत ज़्यादा बेकार लग रही थी। और कॉइन को टेबल पर बार बार हिट करने की आवाज़ मेरे सर में दर्द कर रही थी। सो मैंने कॉइन को एक सॉफ्ट सरफेस के ऊपर रोल करने का ट्राई किया। स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं कॉइन को पहले की तरह ही बहुत सारी बार गिरा रहा था। बट मुझे जल्दी रियलाइज हो गया कि मैं क्या गलती कर रहा था। मैं अपनी फिंगर्स को ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ स्ट्रेच कर रहा था, जो कि एक मिस्टेक। सो मैंने अब इसी पर ही फोकस किया और थोड़ी देर बाद मेरी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंट हो चुकी थी और मैं इस ट्रिक को काफ़ी कंसिस्टेंटली कर पा रहा था। सो आई मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। जब कॉइन रिंग फिंगर को ऊपर रेस्ट कर रहा हो तो कॉइन रोल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। हमें अपनी पिंकी फिंगर को रेस करना होता है ताकि रिंग फिंगर से कॉइन नीचे न गिरे। और यूजुअल मोशन करने की जगह हमें कॉइन को अपनी रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर के बीच में कैच करना होता है। और कैच करने के बाद हमें कॉइन को ग्रेविटी की हेल्प से नीचे की ओर स्लाइड करना होगा। और स्लाइड करने के बाद हमें उसे अपने थंब से कैच करना होगा। अपनी ग्रिप को हल्का सा लूज कर और कॉइन को अपने थंब से कैच करने के बाद हम कॉइन को वापस अपनी इंडेक्स फिंगर के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद हमें इस ट्रिक को रिपीट करना होगा। ये इस ट्रिक का लास्ट पार्ट है और कहने को तो ये इजी हो सकता है, बट एक्चुअली ये इस ट्रिक का सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट है। बिकॉज इस पार्ट में हमें सब कुछ टाइमिंग के हिसाब से करना होता है और हमें कॉइन को थोड़ा लूजली पकड़ना होता है ताकि हम उसे नीचे थंब से आराम से ग्रैब कर पाएं, बट ज़्यादा लूजली भी नहीं, वरना तो कॉइन गिर ही जाए। और लास्ट में जब मुझे कॉइन रोलिंग की थ्योरी अच्छी तरह से पता चल गई तो मैं इस पर और ज़्यादा प्रैक्टिस करता गया। सो कुछ देर और प्रैक्टिस करने के बाद मेरी कॉइन रोलिंग की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंट हो गई और मैं कॉइन को अपने फिंगर्स के ऊपर और अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रहा था। और कॉइन रोल करते वक्त मैंने एक चीज़ डिस्कवर की, जब मैं अपने हाथ को सीधा रखने की जगह 45 डिग्री के एंगल पर रखता था तो कॉइन रोलिंग की स्पीड स्लाइटली बढ़ जाया करती थी थैंक्स टू ग्रेविटी। और अगर तुम कॉइन रोल काफ़ी देर तक करते हो तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है, जैसे ये मेरे साथ हुआ। और एक पॉइंट तो ऐसा भी आया जब मैं अपनी फिंगर्स के ऊपर से सारा कंट्रोल खो चुका था। मेरी फिंगर्स प्रैक्टिस करने की वजह से बहुत ज़्यादा अनकोऑर्डिनेटेड हो चुकी थी। सो मैंने एक छोटा सा ब्रेक लेने का सोचा। 2000 years later. और जब मैंने ब्रेक लेने के बाद फिर से कॉइन रोलिंग स्टार्ट की तो मैं पहले से बहुत ज़्यादा बेटर था और थोड़ी देर बाद मेरी मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गई थी। बट अब भी एक प्रॉब्लम थी, मेरी कॉइन रोलिंग की स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम थी। सो अब मुझे इसकी स्पीड को इंक्रीज करना था और स्पीड इंक्रीज करने के लिए मैंने कॉइन के मूवमेंट को एंटिसिपेट करने का सोचा। जब कॉइन इंडेक्स फिंगर पर था मैं ऑलरेडी अपनी मिडिल फिंगर मूव कर रहा था, और जब कॉइन मिडिल फिंगर पर था मैं ऑलरेडी अपनी रिंग फिंगर को मूव कर रहा था। इसने मुझे उस टाइम को रिड्यूस करने में हेल्प की जिस टाइम पर कॉइन एक फिंगर के टॉप पर रेस्ट कर रहा था बिटवीन वन रोल एंड अनदर। और मैं कॉइन रोलिंग की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा था मैं उतनी अच्छी तरह से कॉइन रोलिंग कर पा रहा था विद लेस मोशन ऑफ माई फिंगर्स। एंड फाइनली करीब 3 घंटे की मेहनत के बाद मैंने कॉइन रोलिंग में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर ली थी और मैं कॉइन को फ्लुएंटली रोल कर पा रहा था। आई नो मैं इसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकता था, बट एक बार इसमें हम फ्लुएंट हो जाते हैं तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग और करने में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग लगती है। और बाद में मैंने अलग अलग साइजेस के कॉइन को रोल कर देखा और मेरे हिसाब से बड़े कॉइन्स को रोल करना काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है एज कम्पेयर टू द स्मॉलर कॉइन्स, बिकॉज छोटे कॉइन्स को हाथ में ग्रिप करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। अगर तुम इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो आई एम श्योर तुम इस वीडियो को देखकर आराम से कॉइन रोल सीख पाओगे। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर कर देना। और अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस हर वीक लाता रहता हूँ। और अगर तुम चाहो तो तुम मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और हाँ, तुम मुझे आने वाली वीडियोज़ के लिए भी नए नए टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो। सो मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई स्किल के साथ।